इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे फिनोमिना के बारे में बताऊंगी जो आपने इससे पहले कभी न सुना होगा। आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो की एंड तक हमारे साथ। टॉप 7 नेचुरल फिनोमिना इन द वर्ल्ड। नंबर 1, लेक नट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिससे ऊपर से गुजारने वाले पक्षियों को ये पत्थर बना देता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो भी इसके ऊपर से गुजरे होंगे वही पत्थर बन गए, पर इसका पता आज तक नहीं लग पाया कि इस झील के ऊपर से गुजारने वाले पक्षी इस झील के पानी में गिरकर पत्थर का क्यों बन जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बार्स को पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस बार्स की डेड बॉडीज पत्थर में बदल गई होंगी। नंबर 3, गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर दो समुन्दर मिलते हुए तो दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों समुन्दर आपस में कभी मिक्स नहीं होते, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो। एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड का पानी हल्के नीले रंग का है। रिसर्चर्स का मानना है यहाँ पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है जो कि दो समुंदरों को आपस में नहीं मिलने देते। नंबर 4, नॉर्वेगन डेड हेरिंग। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियाँ नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर और ये सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब भी हो गई। इतनी बड़ी हादसा कैसे हुआ इसका सही एक्सप्लेनेशन आज तक कोई भी नहीं दे पाया। सारे रिसर्चर्स ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 2009 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि 2012 में पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी और इतने सारे मछलियों के डेथ भी 2012 के जनवरी में ही हुई थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मछलियाँ तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गए होंगे, तो कुछ का मानना है कि किसी बड़े शिकारी मछलियों ने इन मछलियों का पीछा किया होगा, इसकी वजह से ये मछलियाँ किनारे पर आके मर गई होंगी। और कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारियों की वजह से हुआ होगा। नंबर 5, रिंगिंग रॉक। पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक रहस्यमय चट्टानों से भरा हुआ क्षेत्र है और इसके बारे में ये कोई नहीं जानता कि ये चट्टान यहाँ पर कब और कैसे आए। ये चट्टान इसलिए लोगों के लिए रहस्य है, इस चट्टान पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज आती है। यहाँ पर हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है। इंडिया में भी आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी जिसकी यूज पिलर के तौर पर कई सारे मंदिरों में किया गया है, लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाज आती कैसे है इस पर साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। कुछ मानते हैं कि ये चट्टान डायबेस से बनी हुई है और इसके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से इसमें से अलग तरह का आवाजें निकालती है, पर इसका सही कारण आज तक नहीं जाना गया, इसीलिए ये आज तक रहस्य ही है। नंबर 6, सनाया टाइम पिस्कर रिवर। ये एक ऐसा रिवर है जिसे उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर दुनिया की एक लौती बॉइलिंग रिवर है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे किसी उबलते हुए नदी का होना लगभग इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिसे कोई भी नदी उबाल सकती है और वो है कि नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी होनी चाहिए, लेकिन इस नदी के पास तो क्या दूर दूर तक कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है और जो ज्वालामुखी है भी वो इस नदी से 700 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए साइंटिस्ट ने इस नदी की पानी की उबालने का कोई भी कारण पता नहीं लगा पाया है। इस नदी में गिरने पर किसी का भी मौत हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना।